जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। वेलकम डियर व्यूअर्स, टुडे माय कंटेंट सपोर्ट्स आवर फर्स्ट सुपरस्टार्स राजेश खन्ना एंड मुमताज, देयर लॉ एंड द बेस्ट फिल्म्स रोटी एंड डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लॉ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी घटनाएं है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं जी, एक नई रिसर्च के साथ, हाउ टर्न ब्रॉड प्रैक्टिकल हिंदी गीत संगीत गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम राजेश खन्ना की बात करते हैं कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो रोटी अपने ज़माने में बहुत सुपरहिट रही और ये उस जमाने की बहुत बेस्ट फिल्म रही जो उस जमाने में कादर खान ने इसके डायलॉग लिखे थे और मुमताज और राजेश खन्ना की जो मेकरी उस जमाने में रही, क्योंकि राजेश खन्ना 15 फिल्में दे चुके थे और जो देश में सुपरस्टार्स बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, रोटी उनकी कैसी फिल्म से है जिसमें हीरोइंस मुमताज के साथ जो उनकी संजुक रहे, और क्योंकि दोस्तों ये बात याद रहे कि राजेश खन्ना मुंबई में फिल्म मेकिंग करते थे लेकिन वो पसंद करते थे दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली में उनको पंजाबियों के साथ बहुत ज़्यादा संजुक रहा और पंजाबियों के साथ खुद भी वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन नई फिल्म्स में उन्होंने अंजुम और मुमताज के साथ भी कई काम किया। उस ज़माने में काका का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर रहा, लेकिन दिल्ली में उस ज़माने में दोस्तों उसके लिए बहुत से ऐसे हद भी आते थे, और लेकिन मोहन देसाई की जो ज़माने में दोस्तों फिल्म बनी थी रोटी, जिस उस ज़माने में कादर खान ने इसके डायलॉग लिखे थे, और ये दोस्तों ये उस ज़माने में इसकी शूटिंग जब हो रही थी तो क्योंकि राजेश खन्ना जो है इसकी शूटिंग जब कर रहे थे तो रास्ते में जो है उसको कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा तंग किए थे। कॉलेज की लाइफ पे जो उस ज़माने में लड़कियां थी जो 70% 80% जो थी वो लड़कियां थी, जो ज़माने में जो है बहुत बड़ी रश बन गई थी और पुलिस को बुलाया गया था और राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे मुमताज के साथ, और ये रोटी फिल्म थी जो ज़माने में इसके डायलॉग कादर खान ने लिखे थे। लेकिन दोस्तों इसकी कई चर्चा हुई जो ज़माने में रेडियो में भी हुई, और लेकिन जो उस ज़माने में दोस्तों दिल्ली में जो राजेश खन्ना के लिए ख़त आते थे खून से लिखे हुए ख़त होते थे और राजेश खन्ना बड़े परेशान हो जाते थे, लड़कियाँ राजेश खन्ना को चाहती थी और खून से जो है लथपथ ख़त जो है आ जाते, और राजेश खन्ना ने फिर उनके लिए जो है ख़तों के जवाब के लिए जो ख़त का दौर दोस्तों बहुत पायदार रहा, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के दौर को भी आप देखें, लिखे जो ख़त छे तो तेरी याद में। दोस्तों ख़त का जो दौर था बहुत पायदार था, तो राजेश खन्ना के लिए जो लड़कियां खून से लथपथ जो ख़त लिखती थी तो राजेश खन्ना बड़े परेशान होते थे और बड़े सीरियस हो जाते थे, और उसके लिए फिर उसने बाकायदा क्लरिकल स्टाफ उस ज़माने में रखा था और स्टाफ को जो है वो उसके ज़रिए जो है पूरा मालूम लेते और उनके लिए ख़त का जवाब ख़त व किताबत करते, और सिनेमा हॉल में जब जाते तो राजेश खन्ना को जो है लड़कियाँ उसकी दीवानी होती थी और सराहने के नीचे वो रखती। दोस्तों एक दिन उसको दिल्ली भी जाना पड़ा और दिल्ली में जो है उस उन्होंने जो है मुमताज के साथ जो शूटिंग की थी रोटी फिल्म के लिए, तो दोस्तों राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ जब फिल्म्स बनाई थी, क्यों ये फिल्म जो रोटी थी इस पहले टिपल कबाड़ी को दी गई, लेकिन टिपल कबाड़ी की शादी हो गई थी और शादी के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था कि वो फिल्में आज के बाद नहीं करेंगी। फिर ये मुमताज को हुई और राजेश खन्ना भी ये नहीं चाहते थे, राजेश खन्ना का जो मूड ऑफ था उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे ये ट्विंकल्स ना बनाए, और फिर ये जो केमिस्ट्री फिल्म की रही और शादी के बंधन के बाद जो है ट्विंकल्स तो घर पर रही, और ये 1973 की बात है, और उन्होंने फिर तौबा कर ली थी और उन्होंने फिल्म्स बनाने से मना कर दिया था, प्रोहिबिटेड्स हो गई थी और उसके लिए ये ऑब्स्टिकल्स हो गए थे। तो दोस्तों ये
मुमताज ने राजेश खन्ना से स्टार से बहुत कुछ सीखा और रोटी फिल्म्स की आखिरी उनके ब्लॉक पोस्टर्स में बहुत सुपरहिट फिल्म रही। और इसमें दोस्तों इस फिल्म ने जो है सेकंड्स दूसरी बड़ी कमाई बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी थी और इसके गीत भी सफलता तक रहे। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में क्योंकि ये फिल्म जो रोटी थी ये 90 लाख इसने कमाए थे उस ज़माने में, और इससे पहले जो है सच्चा झूठा के लिए राजेश खन्ना वो फर्स्ट उसकी फिल्म थी जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। तो मुमताज के साथ रोटी फिल्म्स की जो कहानी है, लेकिन दोस्तों लड़कियां जो राजेश खन्ना से इस बात पे ज़्यादा हंसती थी कि ये जो फिल्म्स रोटी है इसकी, क्योंकि बर्फ पर जो लूसी ग्रे एक ज़माने की जो इंग्लिश नावल से दिया है, तो ये लूसी ग्रे की तरह बर्फ़ पे जो है ये बनी है फिल्म्स। और मुमताज को जो है राजेश खन्ना ने जो है तकरीबन 8 दिन तक उठाए रखा और बर्फ़ के ऊपर जो है 8 दिन तक इसकी शूटिंग चलती रही और 8 दिन जो है उसने जो है बर्फ़ पे उसको उठाए रखा और ये इसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन राजेश खन्ना इस 100 किलो के वज़न को उठाते थे और ये इस पर 8 दिन लगे थे और कई लड़कियाँ राजेश खन्ना से मस्ती से हंसती भी थी और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री में मजाक भी उनका बनाया गया। लेकिन फिर मुमताज उससे कहती लगातार कि 100 किलो का वज़न उठाने के लिए, तो राजेश खन्ना इसको जो है इतना सीरियस नहीं लेते, वो कहते थे कि उठा सकता हूँ और वो बिल्कुल बहादुर थे उस वक़्त, बहुत बोल्ड थे। तो कादर खान ने दोस्तों इसकी कहानी लिखी थी और राजेश खन्ना की जो ये फिल्म्स थी उस ज़माने में दोस्तों जो राजेश रोशन्स ने जो ये कहानी देखी तो बहुत उसको पसंद आई। और उसने फिर उस ज़माने में दोस्तों एक ही बात भी थी कि कादर खान को जो है वो 21,000 रुपये दिए गए। तो उसने जब राजेश ने उनसे पूछा तो कादर खान को फिर दोस्तों इस कहानी लिखने में जो है 1,20,000 उसकी कीमत बढ़ा दी गई थी उस ज़माने में। और ये भी याद रहे कि रोटी की कहानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इतनी पसंद आई कि उसने TV और अपनी घड़ी जो उस ज़माने में जो कादर खान को अब एक गिफ्ट के तौर पर दी गई थी और गिफ्ट उस ज़माने में दी गए। तो दोस्तों इसकी कहानी बहुत अच्छी थी, कादर खान को फिर 1,21,000 रुपये दिए गए। और दोस्तों ये जो उस ज़माने में दोस्तों इसकी जो घटनाएँ है वो रोटी पे है जो कश्मीर पे उन्होंने उस ज़माने में घूम सूरज पे और एक गाड़ी में सवार होते हैं और उसके पीछे पुलिस आती है और फिर वो जो है शिवन कुमार को लेकर रोल अदा करती है और फिर मुश्किल से ड्रोन्स और फिर उसके बाद मुश्किल से कश्मीर की एक छोटी सी इलाके में जा बसता है और बिजली जो है उस पर मर मिटती है और बिजली की मोहब्बत का उसकी प्रेम भरी कहानी है और लाल जी फाश रहता है और फिर उसके बाद जो बिजली एक मुगल महरानी होती है और वो उसको पहचान जाती है और मुश्किल से जो है उसके सुख चैन में खो जाती है और इस तरह उनकी जो है बमुश्किल मुलाकात होती है। तो रोटी की जो कहानी है बहुत ख़ास है और इसके जो गीत हैं इसको आप YouTube पे देख सकते हैं जो किशोरदा और लता मंगेशकर ने गाए और स्लो सॉन्ग्स भी कुछ इसमें हैं। लेकिन जो गोरे रंग पे न जा दोस्तों ये गीत उस ज़माने में था, नाच मेरी बुलबुल नाच मेरी बुलबुल तुझे नाच मेरी बुलबुल, दोस्तों ये गीत किशोरदा का था और ये या हमारी बात सुन दोस्तों ये गीत था। और उसके अलावा ये पब्लिक तो ये पब्लिक सब जानती है दोस्तों, ये उस ज़माने की जो 1976 की फिल्म से अगर आप देखते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया, कल्याण जी आनंद ने इसको तैयार किया और दोस्तों उस पर तेलुगु फिल्म्स भी इस पर बनाई गई। दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी थी जो रोटी फिल्म्स की थी, राजेश खन्ना इज द फर्स्ट सुपर स्टार्स। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक फॉर